यानी 1 जुलाई एंड 2 जुलाई दोनों दिन मिला के लगभग 1513 रुपए का नेट अमाउंट अर्निंग की है। hey दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो पिछले एक हफ्ते से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, और आप में से कोई इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लेना, कि सर आप कितना इस समय कमा रहे हो ओला में या रैपिडो में या उबर में। तो मैं देखिए, मैं सिर्फ इस समय ओला चलाता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने पिछले 2 दिन में कितना कमाई की है, ठीक है, और जो कि आप लोग भी देख के साथ शौक रह जाओगे, क्योंकि मैं भी देखा तो मैं भी शौक रह गया, और मैं राइडें लिख लेता हूँ एक अलग से कि हाँ मैंने आज इतना कमाया, आज इतना कमाया। मैं थैंक्सफुल हूँ इन कंपनियों का यार, कम से कम इनके थ्रू हम लोग एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेते हैं, थैंक्स टू रैपिडो, थैंक्स टू ओला, थैंक्स टू उबर, क्योंकि मैं इन्हीं के बदौलत अपनी शौक भी पूरा कर लेता हूँ यार राइडिंग का। और शौक में आज 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे चलाते हुए, बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर। मतलब क्या बोलूँ, लगभग 5-6 महीने पहले या थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने एक पॉइंट बोला था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है, और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो यार वो वीडियो अगर आप यहाँ पे देख लेना, आई बटन पे डाल दूंगा, नहीं देखा है तो उस वीडियो में मेरे मोर देन मेरे ख्याल से 1,20,000 व्यू हो चुका है, और उस पर सभी ने इसी बात को लेकर बहुत अप्रिशिएट किया है। मैं इसको देखो कोई अप्रिशिएट के लिए वाला वर्ड नहीं बोला था, ये रियलिटी है। अगर आप अपने काम से प्यार करते हो और जिससे भी काम पे प्यार करते हो, मैं देखो किसी भी कंपनी के बारे में जो भी पहले बुराई बोलता था कि ऐसा है वैसा है, उसी कंपनियों ने, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो और ओला की, देखिए हमारे लॉकडाउन में कितना साथ दिया है। रैपिडो ने दिया फूड डिलीवरी की सर्विस दे के, क्योंकि हम लॉकडाउन में घर में बैठे हुए थे, बहुत से राइडर उनके पास काम नहीं था, बट फूड डिलीवरी करके वो लोग कमाए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को 2 दिन की अर्निंग मेरे ओला में, ठीक है, और इनमें मैं ऑफ ड्यूटी भी ले जाता हूँ, क्योंकि जैसे कि सपोज कोई कस्टमर मेरे को नोएडा से बुक किया और मंडावली तक गए, अब वहाँ से उनको वापस भी आना है, तो इधर से तो मैं बुक करके ले गया, उधर से 5 मिनट वेट किया, देन वापस लेके आता हूँ ऑफलाइन, तो उसमें मुझे उसका डबल फेयर मिल जाता है। जैसे इधर से मेरे को सपोज 150 रुपये मिले उस राइड का, उस 150 रुपये में ओला अपनी चार्ज काटेगी, लेकिन आधे से मैं बोलते सर आप वेट कर लो, मैं वापस चलूँगा, तो 5-6 मिनट हम वेट किए, 10 मिनट 15 मिनट या कभी कभी आधा घंटा भी, तो आते समय जो राइड आप 150 रुपये का लेके आ रहे हैं उनको, उसमें वो पैसा आपको पूरा मिलेगा, कोई कंपनी नहीं ले रही, क्योंकि उसमें कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं है, वो पर्सनली आप उसको लेके आ रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं सबको बोलूँगा पर्सनली बुकिंग करते समय चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यार बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं आजकल, कभी लूट मार ये सब, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब आते हैं फाइनली मुद्दे की बात पे। ये देखिए मेरे 2 दिन का अर्निंग, जिसमें मैंने फर्स्ट को आप दिखा रहे हैं 483 रुपये की अर्निंग की है, ठीक है, और देख लेते हैं। और मैंने इसमें राइड कब से स्टार्ट किया था वो भी देख लो आप, ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें मैंने शाम को 7:08 पर फर्स्ट राइड लिया था। अभी मैं घर पहली राइड जो स्टार्ट करता था वो घर से ही करता था, और अगर ऑफिस से ले रहा हूँ तो ऑफिस से ही करता था, इसलिए मैंने इसमें देखिए 7:08 पर मैंने फर्स्ट राइड ली है, वो भी घर से ही। फिर उसके बाद अब लास्ट राइड इस दिन का देख लीजिए आप कब लिया है, रात को 11:51 पर, जो कि मेरे घर के ही पास का होता है, होम रूट था, ठीक है, तो मैंने उनको ड्रॉप करके हार्डली 5-6 मिनट में घर। अब आप कितना हो गया, 7 से 5, मतलब 5 घंटे की, 5 घंटे में मैंने ये जो ऑफिशियली यहाँ पे आप देख रहे हो 483 रुपये 1 तारीख का, ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें 2 पार्सल भी डिलीवर्ड किया था, जिसके भी मुझे लगभग 250 रुपये मिले थे, 260 रुपये। दोस्तों अब आप लोग काउंट कर लो, देखिए 483 रुपये मेरे ओला में जो आप देख रहे हो, और 150 रुपये का ऑफ ड्यूटी एंड 260 रुपये आपका डिलीवरी, और उसमें से मैंने शायद 260 में से आपका घटाया नहीं है, वो आप घटा देना कुछ 30% उसका वो होता है, सर्विस जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो आप घटा देना, तो जो ओवरऑल अमाउंट होता है 843 रुपये है, और इसमें मैंने जो पेट्रोल डाला था वो 205 रुपये का उस दिन डाला था, ठीक है, मैं 280, 205, 100 मतलब ऐसे ही डालता हूँ। तो अब आप देख लो मेरे को कितनी कमाई हुई है, मतलब पूरा पेट्रोल उस दिन नहीं गया था ओवरऑल, तो मेरे अब कमाई जो थी उस दिन वो 843 रुपये का हुआ था। तो अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें 2 तारीख यानी कल का है, और कल तो भाई बहुत ही अच्छा दिन था, मतलब शाम था, बहुत मज़ा आया, तो बारिश का था, और मैंने कल जो है GoPro भी कोई लाइव वीडियो नहीं बनाया, बस ऐसे ही कभी कभी होता है ना कि मौसम का फील करने का मन कर रहा था, तो मैंने कल खूब रास्ते में मस्ती की है, और
आप लोगों को दिखा नहीं पाया वो मस्ती, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर देना ये भी, और मेरा VSK Infinity Wings भी। तो कल की देखो, शाम को 7:29 पे स्टार्ट किया था मैंने पहला स्क्रीनशॉट, जिसमें ये जो राइड थी 29 rupees मुझे मिल रहे हैं, इसमें जो बिल बना था उस कस्टमर का 37 rupees का बिल बना था, ठीक है। अब हुआ क्या था, इसमें कस्टमर ने मुझसे कहा सर यहाँ जाना है पहले मुझे, 71 से मैंने पिक किया था और उसके बाद 76 आना था इनको, ठीक है, सुपर टैप जो कि मेरा रोड देखा हुआ है, मोबाइल अंदर डाला उनको ऐसे ले के आया उसी बुकिंग पे, 37 rupees हुआ। फिर वहाँ से उनको जाना था 105 तक का, फिर उन्होंने मुझे दिया 50 rupees। अब वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर मुझे वहाँ से वापस आप 71 छोड़ सकते हैं क्या, 10 minutes वेट कर लीजिए। मैंने ठीक है छोड़ सकता हूँ। तो फिर 80 rupees ये और 100 rupees उन्होंने मुझे उधर से आने का दिया, मतलब अच्छा 180 rupees हो गए, उन्होंने मुझे 180 rupees फोन पे या गूगल पे दिया। पहली राइड में मैंने लगभग 30 minutes या 40 minutes गवा के 180 rupees की अर्निंग करी। अब इसमें से आप 37 rupees इसमें ऐड करिए, बाकी जो मेरे पूरे दिन की अर्निंग है कल की वो 390 rupees आप देख सकते हैं। पूरे दिन में मैंने 390 rupees तो डॉक्यूमेंटेड है, वो आप देख ही लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके अलावा जो अलग से कमा लिए और जो सबसे लास्ट की राइड थी वो भी मेरी ऑफलाइन थी, मतलब ऐसे ही लेके आया था कस्टमर को, क्योंकि सेक्टर 52 से वो गए थे, देन वहाँ से वापस आए तो ऑफलाइन लेके आया था उस, मतलब कल के दिन भी मुझे लगभग 280 rupees करीब ऑफलाइन में मुझे मिल गए। तो देखिए कल के दिन ही मैंने 670 rupees का काम किया, वही 4.5 घंटे में। मैं कल रात को 12 बजे आ गया था घर, ठीक है, वैसे मन था कि 2-2.5 बजे तक करा जाए, बट मौसम कल क्या हुआ, बारिश होने के बाद थोड़ी ठंडक हो गई थी इसलिए जल्दी आ गया, बट मज़ा आया कल के दिन। लास्ट राइड ना मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, उसमें राइड आए ना तो मैम थी एक, वो ड्रिंक करी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, बट उनको मैं मंजिल पे छोड़ा और वो सी कांट एबल टू टेल अ OTP एज वेल, सो वो इस कंडीशन में थी, बट मैंने उनको घर वहाँ तक छोड़ा उनके डेस्टिनेशन तक, और वो अप्रिशिएट करे यार कि आप लोग हमें इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हो यार कि घर तक छोड़े। बट ऐसे सिचुएशन में कभी कभी लगता है कि यार OTP नहीं बताई उन्होंने तो मुझे राइड स्टार्ट नहीं करनी थी, बट एज ए ह्यूमन बींग मैंने वहाँ पर उनसे ज़्यादा फाइट नहीं की और उनको डेस्टिनेशन पर छोड़ा। तो उनका जो बिल आई थिंक 3-4 kilometers की राइड थी, तो मेरे ख्याल से 40-50 rupees होता, बट मैंने उनसे 80 rupees लिया था। मैंने दोस्तों इन दो दिन में यानी परसों और कल 1 तारीख को यानी 1st of July एंड 2nd July दोनों दिन मिला के लगभग 1513 rupees का नेट अमाउंट अर्निंग की है। और पेट्रोल जो डलवाया था वो आई थिंक एक बार 205 का और एक बार 100+ rupees का, और थोड़ा बहुत तो पेट्रोल मेरे में रहता ही है। सो मेरा मंथली भी यार पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप बहुत जल्दी आप लोग सजेशन करो क्या मैं इसी बाइक से चलाऊं या कोई छोटी बाइक ले लूं। वैसे प्लान चल रहा है कोई छोटी बाइक ले लेने का, जब करना ही है और 5-6 घंटा डेली कर रहा हूं और इतनी अर्निंग हो रही है तो करना ऑब्वियसली है। फिर लास्ट में बोलूंगा यार अर्निंग के ऊपर मत जाना कोई भी कि मेरी अर्निंग इतनी हो रही है, और कोई भी नया ज्वाइन करता है वो थोड़ा सा एकदम डिमोटिवेट हो जाता है। जिस दिन पहले दिन मान लो 100 rupees आया 150 rupees आया तो वो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार ये क्या कमाई हो रहा है छोड़ो भागो। तो ये चीज़ ऑब्वियसली उस इस लाइन में हो तो जरूर होगा, ये वाले सीन जरूर आपके साथ भी होगा, तो इसमें थोड़ा सा पैनिक मत होना, क्योंकि देखिए बारिश हर दिन नहीं होती है। इसी तरीके से हम जरूरी नहीं है कि हर दिन आपके पास वही सेम पैसा आएगा 700-800-1000 4-5 घंटे में, नॉट पॉसिबल। होप आप लोगों की जो अर्निंग वाली प्रॉब्लम थी इस वीडियो से सॉल्व हो गई होगी। और सभी कंपनी देखिए इक्वल है, हर किसी का थोड़ा बहुत बस चार्जेस का हेयर फेयर है। ओला कभी कभी आपको 7-10 rupees भी दे देती है किलोमीटर, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि 6-7 rupees पड़े, वो कभी होता है ऐसा, और रात में खास करके ज़्यादा पेमेंट पे आउट होती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पे नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को भी और VSK Infinity Wings को भी, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। अगर मैं कोई कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आप लोगों को सारे कमेंटों का जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम।